हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी में। और फ्रेंड्स, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी का जनरल प्रिपरेशन एंड जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन के बारे में हम पढ़ रहे थे, एंटीटॉक्सिन के बारे में पढ़ेंगे। सो अभी तो वैक्सीन चल रहा था तो हमने उसमें दो वैक्सीन पढ़ ली थी। आज हम थर्ड वैक्सीन के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है डिप्थेरिया वैक्सीन। ओके सो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगी और आपसे पूछना भी चाहूंगी कि क्या आपको जो हमने कोलेरा वैक्सीन के नोट्स थे वो आपको मिल गए कहां? हमारे फेसबुक पेज पे जाके आपने जाके देखा वहां या नहीं देखा? तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बताना चाहूंगी कि यहाँ पे हम जो टॉपिक कवर करवाते हैं उसके नोट्स जस्ट आपको प्रोवाइड हो जाएंगे कहाँ पे? हमारे फेसबुक पेज पे, ठीक है। पीडीएफ की प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है, बहुत सारे पीडीएफ हमने अपलोड किए हैं यूनिट वाइज यूनिट भी और टॉपिक वाइज भी, बट वो शो नहीं हो रहे हैं, ओपन नहीं हो रहे हैं। मतलब हमारे लिए तो ओपन हो रहे हैं लेकिन आपके लिए वो ओपन नहीं हो रहे, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसका भी सोल्यूशन हम देख रहे हैं। लेकिन जब तक आप फेसबुक पेज पे जाइए, फोटोज मिलेंगे, वो नोट्स मतलब नोट्स आपको फोटोज के थ्रू हम अपलोड कर रहे हैं, पूरे टॉपिक के नोट्स एक साथ होंगे। सो इजी लैंग्वेज में वो नोट्स आपको दिए गए हैं, बहुत इजी लैंग्वेज है, शॉर्ट मैटर है, जो आपको अच्छे से समझ में आए और इतना इनफ है 95% गेन करने के लिए, उस हिसाब से हमने नोट्स वहां आपको दिए हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे डिप्थेरिया वैक्सीन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिप्थेरिया होता क्या है। डिप्थेरिया होता है कैसे पता ही होगा, मतलब जैसे ये इन्फेक्शन है, ठीक है। वैक्सीन हम किस लिए यूज करते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हम जो वैक्सीन यूज करते हैं, मतलब किसी बैक्टीरिया के कारण वो डिसीज हुई है, राइट। सो डिप्थेरिया मतलब हमारा जो बोल सकते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम के ऊपर वाला ट्रैक होता है, अपर पार्ट ऑफ द रेस्पायरेटरी सिस्टम, लैरिंग्स, फेरिंग्स, और उसके बाद रेस्पायरेटरी सिस्टम में क्या आ जाता है? नोज, नोज के थ्रू भी हम रेस्पायरेशन करते हैं, माउथ, आईज, आईज, आईज के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, श्यूडो मेम्ब्रेन नोज में होती है, लैरिंग्स फेरिंग्स में होती है। सो उन सब चीजों को कोरिलेट करके आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो डिप्थेरिया जो डिसीज है वो कहां होती है? अपर पार्ट ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम, रेस्पायरेटरी सिस्टम के अपर पार्ट में होती है। अब चलिए अब उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सो डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। डिप्थेरिया इज अ कॉम्युनिकेबल डिसीज, डिप्थेरिया कॉम्युनिकेबल डिसीज है, ठीक है। कॉम्युनिकेशन करने से ये फैलता है, कम्युनिकेशन करने से कैसे फैलता है? क्योंकि बैक्टीरियल डिसीज है, आप कम्युनिकेट करेंगे ऊपर से आपके इसी वाले पार्ट में, जहां मतलब हमारा जो नॉर्मल आईज, माउथ, द नोज, इन सब चीजों से ही ये फैलता है। आईज के अंदर स्यूडो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है नोज के अंदर, तो वहां क्या जो बैक्टीरिया है वो अपनी कॉलोनीज बना लेता है। कॉलोनीज बनाने के बाद क्या कर देता है? उस मेम्ब्रेन को क्या कर देता है? बिल्कुल डैमेज कर देता है। वो मेम्ब्रेन एक कॉलोनीज बना लेती है, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है और अजीब टाइप की लेयर आपको दिखाने, स्किन पे स्किन की जो लेयर है वो अजीब टाइप की हो जाती है, मतलब बोल सकते हैं ब्रेकेबल हो जाती है स्किन, या फिर ब्राउनिश टाइप की दिखने लगती है, कलर चेंज हो जाता है। सो वो देखते हैं हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। डिप्थेरिया इज अ कॉम्युनिकेबल डिसीज विच इज कॉज्ड बाय कोरिनेबैक्टेरियम डिप्थेरिया, ठीक है। कोरिनेबैक्टेरियम डिप्थेरिया जो इसका बैक्टीरिया का नाम है वो क्या है? कोरिनेबैक्टेरियम डिप्थेरिया, ओके। विच कोलोनाइज फॉर्म, विच कोलोनाइज एंड फॉर्म अ स्यूडो मेम्ब्रेन, जैसे मैंने बताया था जो ये बैक्टीरिया होता है कॉलोनी बना लेता है अपनी किसके ऊपर? स्यूडो मेम्ब्रेन के ऊपर, स्यूडो मेम्ब्रेन के ऊपर। मतलब ये जो स्यूडो मेम्ब्रेन है ये कब एक्टिवेट होती है? ये एक्टिवेट कब होती है? ये ऐसा नहीं है परमानेंट एक्टिवेट रहती है, नहीं, किसी इन्फेक्शन के टाइम, किसी एलर्जी के टाइम, इन्फ्लामेशन के टाइम ये जो मेम्ब्रेन होती है ये एक्टिवेट हो जाती है। सो उसके बाद एट इन्फेक्शन साइट, इन्फेक्शन साइट के ऊपर। डिप्थेरिया इज एन एक्यूट इन्फेक्टियस डिसीज विच फॉर्म अ ग्रे स्यूडो मेम्ब्रेन इन द फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड नोज, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ये कोई क्रोनिक डिसीज तो है नहीं कि बहुत लंबे टाइम से आपको एलर्जी चल रही है। एलर्जी
मोस्टली जितनी भी एलर्जी होती है वो कैसी मोस्टली क्या हाँ होती है, सारी एलर्जी क्या होती है एक्यूट एक्यूट डिसीज में आती है। एक्यूट डिसीज में इसलिए आती है क्योंकि कोई एलर्जी है तो वो धीरे धीरे नहीं फैलती है, एकदम से आपको किसी भी चीज की साइड इफेक्ट होता है, एकदम से आपको एलर्जी कोज होती है, राइट। ऐसा नहीं है धीरे धीरे चलती आ रही एलर्जी और बाद में आपको पता चला कि आपको एलर्जी हो गई, वो तो एकदम से आपको होगी, एक्यूट फास्ट रिएक्शन होती है एलर्जी की। तो वही यहाँ बताया डिप्थेरिया इज एन एक्यूट इन्फेक्टियस डिजीज विच फॉर्म अ ग्रे स्यूडो मेम्ब्रेन इन फेरिंग्स लैरिंग्स एंड नोज। मैंने आपको बताया था कि अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब लैरिंग्स फेरिंग्स नोज, उसके बाद आ जाता है आईज माउथ, ये सब चीजें आ जाती है। लेकिन जो तीन मेन चीज है वो है लैरिंग्स फेरिंग्स एंड नोज, ओके। तो इसके ऊपर स्यूडो मेम्ब्रेन का कैसा कलर हो जाता है, ग्रेइश कलर ब्राउनिश कलर अजीब, मतलब जो कलर होता है वो कुछ ऐसा लगने लगेगा, कुछ एलर्जी क्रिएट होगी तो मतलब वहां पे कुछ चेंजेस होने चाहिए। तो ये जो कलर बता रहा है कि इस कलर का हो जाएगा तो वो चेंजेस हैं कि ये पता करने के लिए कि हाँ एलर्जी कोज हो गई है, ओके। और ये डिप्थेरिया एक मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बीमारी है, बहुत मेजर बीमारी है। क्यों मेजर डिसीज इसलिए है ये, क्योंकि कम्युनिकेशन से फैलती है। ऊपर से दूसरी चीज इसका कारण क्या है, कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की अगर ग्रोथ ज्यादा हो गई तो मतलब फिर वो बैक्टीरिया डिसीज जल्दी से सही नहीं होती। लेकिन इसकी वैक्सीन है, नॉर्मली वैक्सीन लगवाइए आप, तो अगर नॉर्मली वैक्सीन अप्लाई करवाइए तो उनको नहीं होगी और इजिली क्योर किया जा सकता है डिप्थेरिया को। उसके बाद इनिशियल सिम्टम्स देखते हैं डिप्थेरिया के, सिम्टम्स क्या क्या है। लो ग्रेड फीवर हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, कफ एंड सोर थ्रोट, ये इसका मेन जो इसका डिप्थेरिया का जो मेन सिम्टम है वो है सोर थ्रोट। मतलब क्या होगा, हर टाइम जो अपना गला है वो कैसा लगने लगेगा, खट्टा लगने लगेगा, ठीक है। मतलब ऐसा लगेगा फीलिंग कुछ भी हम इनटेक कर रहे हैं लेकिन कैसा लगेगा, सोर टाइप का फील होगा, खट्टा खट्टा फील होगा कि किसी भी चीज में आपको टेस्ट नहीं आएगा, ओके। उसके बाद द मेन कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम डिप्थेरिया इज कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स विद कार्डियोवास्कुलर डैमेज। देखिए क्या होगा लास्ट में, अगर आपको आपने डिप्थेरिया क्योर नहीं करवाया या आपका डिप्थेरिया क्योर नहीं हुआ तो लास्ट में जाके डेथ किस कारण होती है, डेथ होती है कार्डियोवास्कुलर डैमेज के कारण, कार्डियोवास्कुलर डैमेज हो जाता है। कार्डियोवास्कुलर का यहाँ क्या मतलब रोल क्या है कार्डियोवास्कुलर का, हम तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, लेकिन लास्ट में जब डेथ हो रही है डिप्थेरिया के कारण तो वो किसके कारण हो रही है, जब हमारा जब मतलब इसका इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, जांच की जा रही है, तो क्या पता चल रहा है कि जो डिप्थेरिया का पेशेंट था वो कार्डियोवास्कुलर डैमेज के कारण ही उसकी डेथ हुई है। सो वो कारण नॉर्मल है, सिंपल है बिल्कुल, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कैसे, रेस्पिरेटरी सिस्टम से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, CO2 बाहर करते हैं। सो अब आप ये तो पता ही है, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में लैरिंग्स फेरिंग्स के थ्रू होके ही हमारा रेस्पिरेशन होता है, लैरिंग्स फेरिंग्स के थ्रू ही O2 अंदर जाता है। अब अगर ऑक्सीजन अंदर जाएगा रेगुलर अच्छे से तभी तो हार्ट ब्लड पंप कर पाएगा, हार्ट ब्लड पंप कर पाएगा मतलब हार्ट ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना पाएगा। लेकिन अगर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ही नहीं हो पाएगा तो वो अच्छे से पंप करेगा क्या, पंप करने का मतलब क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करना। अब जब वो ऑक्सीजन ही पूरी तरीके से सप्लाई नहीं होगा हार्ट को तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा, वो रेगुलर पंप नहीं कर पाएगा, पंप करेगा भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसलिए क्या डैमेज होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपका पूरा डैमेज हो जाता है डिप्थेरिया के कारण लास्ट स्टेज में जाके। ऐसा नहीं है डिप्थेरिया को क्योर किया जा सकता है, लेकिन जो लोग क्योर नहीं करते या फिर जिनका किसी रीजन क्योर नहीं हो पाता है उनका लास्ट कंडीशन में डेथ जब होती है तो कारण यही निकलता है कार्डियोवास्कुलर डैमेज। अब उसके आगे प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन का प्रिपरेशन हम देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वैक्सीन, जो डिप्थेरिया वैक्सीन है उसका प्रिपरेशन, ओके। फर्स्ट पॉइंट
पॉइंट दिया है, अ सुटेबल स्ट्रेन ऑफ कोरिनेबैक्टरम बैक्टेरिया इज ग्रोन ऑन लिक्विड मीडियम आफ्टर इंक्यूबेशन बाय यूजिंग सुटेबल कंडीशन एट दैट टाइम ऑफ सेटिस्फेक्टरी लेवल। देखिए क्या बोल रहा है ये, कोई भी, मैंने आपको तीन वैक्सीन पढ़ाई, तीनों में यही बताया है कि अगर हम कोई भी वैक्सीन बना रहे हैं मतलब वो उसी बैक्टीरिया को लेके हमें बनाना पड़ेगा, उसी बैक्टीरिया को कल्चर करवाना पड़ेगा जिस बैक्टीरिया के कारण वो डिसीज हो रही है। क्योंकि जैसे नॉर्मल वो एक कहावत है हिंदी में, लोहा लोहे को काटता है, वही है ये। अगर हमें बैक्टीरिया को किल करना है तो हमें उसकी जो दवाई बना रहे हैं वो भी बैक्टीरिया से ही बनाते हैं। सो वही है सुटेबल स्ट्रेन ऑफ, हमने क्या किया, स्ट्रेन किया किसे, जो बैक्टीरिया है कोरिनेबैक्टरम डिप्थेरिया, बैक्टीरिया को स्ट्रेन किया, करने के बाद उसे लिक्विड मीडियम में रखा, कब तक, लिक्विड मीडियम आफ्टर इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन के बाद हमने उसे लिक्विड मीडियम में रखा, ठीक है, बाय यूजिंग सुटेबल कंडीशन। एक सुटेबल कंडीशन होनी चाहिए, देखिए कोई भी बैक्टीरिया का अगर हम कल्चर करवा रहे हैं, कोई भी बैक्टीरिया है या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, सो हम उसका कल्चर करवा रहे हैं, ओके, कल्चर करवाएंगे तो मतलब उसे सुटेबल कंडीशन चाहिए, सुटेबल फेवरेबल कंडीशन चाहिए जिस कंडीशन में वो ग्रो कर पाए। सो हम उसे सारी वही कंडीशन लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब तक सेटिस्फेक्ट्री लेवल, मतलब जब तक ये ना लगे कि हार्मफुल यूज नहीं है उसका कोई, जब तक उस टाइम तक हम उसे लिक्विड मीडियम में रखेंगे और उसे अपने टेस्ट अप्लाई करते रहेंगे, ओके। उसके बाद सेकंड पॉइंट दिया है, द बल्क ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिमूव्ड ऑन पेपर पल्प एंड द फिल्ट्रेट इज स्टरलाइज्ड, ओके। उसके बाद जो हमारा बल्क हमें मिला, जब हम मतलब सेटिस्फेक्शन हो गया, सेटिस्फेक्ट्री लेवल तक पहुंच गया है कल्चर, सो हम उसे क्या करेंगे, उसे जो हमारा बल्क है ऑर्गेनिज्म का, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया था उसका हमने कल्चर बनाया था, उसे हम लेंगे और लेके उसे कहां रखेंगे, पेपर पल्प पे रखेंगे, देन उसे क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, फिल्ट्रेट करके जो हम उसे पेपर पल्प पे रखेंगे, देन उसे क्या करेंगे, स्टरलाइज करेंगे। कोई भी वैक्सीन अगर हम बना रहे हैं, वैक्सीन बहुत ज्यादा हाईली स्टरलाइज प्रोडक्ट है, देखिए वैक्सीन हो या ऑप्थैल्मिक प्रोडक्ट है, ये सब क्या है, बहुत ज्यादा स्टरलाइज, सबसे ज्यादा स्टरलाइज प्रोडक्ट होते हैं ये, ओके। सो फिर हम उसे स्टरलाइज करेंगे, अच्छे तरीके से स्टरलाइज करना मतलब माइक्रोब्स फ्री, ऐसा नहीं है जो बैक्टीरिया हमें चाहिए वो हमारी वैक्सीन के अंदर है, लेकिन अगर हम उसे स्टराइल नहीं करेंगे, अगर हम उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स फ्री नहीं करेंगे, तो अदर माइक्रोब्स भी तो उसमें ग्रो कर पाएंगे ना, इसलिए ग्रो कर पाएंगे क्योंकि हमने फेवरेबल जो कंडीशन है वो किसके अकॉर्डिंग रखी है, वैक्सीन जो प्रिपेयर की है, जो बैक्टीरिया जिस डिसीज को क्योर करने के लिए हम वो वैक्सीन बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया है, लेकिन अगर हम उसे स्टराइल नहीं करेंगे बाहर के एटमोसफेयर से, तो क्या होगा, उसमें अदर बैक्टीरिया भी तो ग्रो कर पाएंगे ना, अदर बैक्टीरिया भी ग्रो कर सकते हैं, ओके। उसके बाद थर्ड पॉइंट, फॉर्मेल्डिहाइड इज एडेड टू द मिक्सचर, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही स्टरलाइज हमने कर लिया, उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड विच इज इंक्यूबेटेड सेट टू 37 डिग्री सेल्सियस अंटिल टॉक्सिसिटी हैज बीन रिमूव्ड एंड यूजुअली इट टेक 2 to 3 weeks। देखिए क्या करेंगे हम, फॉर्मेल्डिहाइड ऐड किया हमने, किसके लिए ऐड कर रहे हैं, टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए हम फॉर्मेल्डिहाइड ऐड कर रहे हैं, और उस प्रोसेस में लग सकते हैं 2 to 3 हफ्ते, ठीक है, 2 to 3 हफ्ते तक, ये वीक है थोड़ा रब हो गया ये, ओके, 2 to 3 हफ्ते तक हम उसे रखेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ओके। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका प्रिपरेशन का, द फाइनल प्रोडक्ट कंटेन सुटेबल एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव होगा, उसके अंदर माइक्रोब नहीं होंगे, एक सुटेबल एक मतलब सेटिस्फेक्शन जिससे है पूरा वैक्सीन से, एक सुटेबल फॉर ह्यूमन यूज, इस टाइप का एक प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा लास्ट में, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। उसके बाद हम देखते हैं डोज, हम डोज कितनी देते हैं, ओके, डोज कितनी दी जाती है डिप्थेरिया वैक्सीन की, तो फर्स्ट दिया है 4 primary incubation इम्यूनाइजेशन टू चिल्ड्रन 0.5 ml एट 2 to 3 month एज। क्या होता है, सबसे पहले हम चिल्ड्रन को, जो चिल्ड्रन होते हैं वो उन्हें स्टार्टिंग में 2 से 3
तीन महीने का जो बच्चा होगा उसे हम कितना देंगे, 0.25 ml, 0.25 ml वैक्सीन हम देंगे। कौन सी वैक्सीन? डिप्थेरिया वैक्सीन। कितने मंथ के बच्चे को? 2 से 3 महीने के बच्चे को। सेकेंड डोज कब दी जाएगी उस बच्चे को? 0.5 ml ही दिया जाएगा ये डोज। 0.5 ml कब देंगे? 4 हफ्ते बाद, ठीक है। 2 से 3 महीने के बच्चे को हमने ये वैक्सीन प्रोवाइड करवाया, देन उसके बाद हम देंगे सेकेंड डोज 0.5 ml 4 हफ्ते बाद, फिर थर्ड डोज देंगे 0.5 ml फिर से 4 हफ्ते बाद। तीन डोज हो गई, ठीक है। तीन डोज के बाद फोर्थ डोज कब देंगे? 0.5 ml ही, जब वो बच्चा 3 से 4 साल के एज में चला जाएगा। अब मतलब ये तीन डोज देने के बाद हम कितने साल का गैप लेते हैं? 3 साल का गैप लेते हैं और उसके बाद बच्चे को वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, जो उसकी लास्ट डोज होती है, फोर्थ डोज। अब इसके बाद आ जाएगा लेबलिंग, जो लास्ट आपको बताई थी वैक्सीन के अंदर लेबलिंग, लेबलिंग के ऊपर होगा कितना डोज हम किसे देंगे, बच्चों को कितना देंगे, एडल्ट को कितना देंगे, ये सब चीजें उसके ऊपर मेंशन होगी। उसके बाद उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज किया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज किया है, उसे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, लाइट के कॉन्टेक्ट में वो आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ये सब चीजें मेंशन होती है किसके ऊपर? लेबलिंग के ऊपर। ओके, सो वो मैंने टॉपिक यहाँ नहीं दिया है, वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो आप लास्ट वीडियो में जाइए, उसमें लेबलिंग दोनों में, दो वैक्सीन पढ़ा चुके हैं अब तक, दोनों वैक्सीन में बताया है कि लेबलिंग कैसे की जाती है। सबकी लेबलिंग सेम है, सेम आपको पता चल जाएगा कि सेम लेबलिंग है, इसलिए क्योंकि सब वैक्सीन की लेबलिंग तो एक सी होगी कि किस टाइम को यूज करना चाहिए, लाइट से वो कितना सेंसिटाइज है, लाइट के कांटेक्ट में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वैक्सीन डार्क में रखें या फिर लाइट में रखें। उसके बाद हो सकता है हम डोज कितनी दें चिल्ड्रन को, कितनी दें, फर्स्ट डोज कितनी होगी, सेकेंड डोज कितनी होगी, टाइम इंटरवल कितना होगा, ये सब चीजें मेंशन होंगी आपके लेबल के ऊपर, ठीक है। तो लेबल लास्ट टॉपिक था इसका, डिप्थेरिया वैक्सीन का। आज ये डिप्थेरिया वैक्सीन कंप्लीट हुआ, अभी एक दो वैक्सीन और बची हैं, सो वो भी जल्दी ही कवर हो जाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी दोस्तों, आप हमारे दूसरे चैनल केडी फार्मा ज्ञान पे जाइए, वहां पे आपको लास्ट से यूनिट कवर होना स्टार्ट हुई है। जैसे फार्माकोलॉजी में शुरू की 3 यूनिट होगी, इस चैनल पे कंप्लीट डबल ए वैदिक ज्ञान केडी पे, और लास्ट की 2 यूनिट होंगी आपकी केडी फार्मा ज्ञान पे, क्योंकि उससे क्या होगा, दोनों चीजें एक साथ चलेंगी और कुछ भी मैशअप नहीं होगा। तो जल्दी से जाइए केडी फार्मा ज्ञान सर्च कीजिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियोस आपको सीक्वेंस वाइज सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगी। ओके, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।